ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 13 साउंड जो फिजिक्स का है, आप फेयर फिजिक्स में करोगे। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं, जो इससे पहले सेशन 43 और 44 गया है उसमें बाय टेक्निकली थोड़ा सा अल्टरनेट हो गया है। आप पहले 44 देख लो फिर 43 देख लो, ठीक है, क्योंकि वो आगे पीछे हो गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, ये 45 सेशन हमारा होगा। और इसमें हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन बेइंग्स की साउंड प्रोड्यूसिंग कैसे होती है। ठीक है, ह्यूमन बेइंग्स की साउंड प्रोड्यूसिंग कैसे होती है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि साउंड प्रोड्यूसिंग बाय कुछ अदर थिंग्स है, उनका साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, किस मीडियम से होता है। तो हेडिंग बनाएंगे साउंड प्रोड्यूसिंग बाय अदर थिंग्स, है ना। बिल्कुल, आप लोग जानते हैं बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप देखते हैं, आप हारमोनियम से साउंड निकलते देखते हैं, फ्लूट से साउंड निकलते देखते हैं, तबला से साउंड निकलते देखते हैं, हर जगह से साउंड निकलते देखते हैं। तो ये साउंड निकलने का, ठीक है, तो कहां कहां से साउंड निकलता है। पहला है बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, है ना, बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। अब आपने गिटार देखा होगा, है ना, उसमें क्या होता है, तार लगे होते हैं, स्ट्रिंग लगे होते हैं, और उसी को किसी चीज से चलाया जाता है, और उसी ड्यूरिंग उसको मूव करने के बाद उसमें से साउंड निकलते हैं। ठीक है, तो हम एग्जांपल दे सकते हैं कहां से, तो फ्रॉम गिटार, है ना, गिटार से हम इस तरह के साउंड निकलते हुए देख सकते हैं। दूसरा है बाय वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, दूसरा हम लोग अगर देखें तो ये होगा बाय वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, एयर कॉलम, ओके, बाय वाइब्रेटिंग एयर कॉलम कहां से, तो ये आप देखिए फ्रॉम फ्लूट, ओके, फ्लूट, बांसुरी, बांसुरी में कुछ नहीं होता है, आप देखते होंगे कि सिर्फ एक पाइपलाइन होते हैं और उसको एयर ब्लो करते हैं माउथ से और उससे साउंड प्रोड्यूस होते हैं, काफी मजेदार साउंड होता है। ठीक है, बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन, एक ऐसा होगा जो मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा, बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन, ओके, मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन अगर वाइब्रेट करता है तो कहां से साउंड निकलता है, ये किस तरह का एग्जांपल होगा, तो हम लोग देखिए फ्रॉम तबला, तबला में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है ना, एक मेम्ब्रेन होता है, उसी को, है ना, बीटिंग किया जाता है, पीटा जाता है, तो वो उसको उसका वाइब्रेशन होता है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे तो बाय वाइब्रेटिंग प्लेट, बाय वाइब्रेटिंग प्लेट, है ना, प्लेट, आप लोग देखते होंगे प्लेट कहां दें, देखिए साइकिल का जो बेल होता है, साइकिल बेल, साइकिल बेल को आप गौर से देखिए, साइकिल की जो घंटी होती है, इलेक्ट्रिक बेल को आप गौर से देखिए, वहां एक प्लेट पे किसी हैमर से अटैक किए जाते हैं, वो उससे आवाज प्रोड्यूस होती है। और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी आप देखते होंगे, बड़े बड़े गोल वाला ऐसे सर्कुलर होते हैं जिस पर एक रॉड से ऐसे मारा जाता है, एकदम छनकार की आवाज आती है, ये सब चीजें आप, ये जो डिफरेंट वेरियस पॉइंट्स होते हैं जहां से साउंड प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज हो सकते हैं जहां से साउंड प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन अब जैसे एयर चला, है ना, बाय वाइब्रेटिंग, तो एयर कॉलम हम लोगों ने देखा। ठीक है, और भी साउंड प्रोड्यूस हो सकते हैं बाय वाइब्रेटिंग, है ना, थिंग्स, एक दूसरे से कोई भी चीज अगर टकराएंगे तो यहां से भी साउंड प्रोड्यूस होगा। अब जैसे देखिए वाटर, अगर आप नल खोलते हैं कुछ साउंड प्रोड्यूस होती है ना, तो वहां भी कुछ ना कुछ आपको टकराने से साउंड प्रोड्यूस होती है, है ना, जैसे एयर ब्लो किया तो हवा काफी तेज निकल रही है, किसी चीज से टकरा रहा है, एयर टकराया, वहां एकदम गनगनाहट की आवाज आना शुरू होता है, तो ये भी एक पॉइंट हो सकते हैं। तो ये पांच पॉइंट आपका होगा कि ह्यूमन बींग्स के अलावा जो साउंड है वो हम कैसे प्रोड्यूस होता है, ये एक पॉइंट हो गया, इसको आप नोट्स में नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे साउंड प्रोपिगेट करता है, कैसे वो हम तक आता कैसे, ठीक है ना, तो इस पॉइंट को देखेंगे। तो इसको जरा समझ लीजिए ऐसे, इसको आप नोट कर लेंगे, तो मैं अभी मिटा दिया। ठीक है, अब हमने कुछ बोला, ठीक है, अब देखिए कि इसको हेडिंग बनाएंगे प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, ट्रेवलिंग ऑफ साउंड भी हम लोग कह सकते हैं, प्रोपेगेशन भी कह सकते हैं। तो ये कैसे प्रोपेगेट करता है, हम जो बोल रहे हैं आप तक कैसे पहुंचता है, उसमें तो एक सिस्टम लगी हुई है, ये टेक्नोलॉजी माध्यम से पहुंचता है, लेकिन
जब नॉर्मली जब आपस में क्लास में हम लोग होते हैं तो हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचता है और आपकी आवाज हम तक कैसे पहुंचता है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही हमने कुछ बोला तो यहाँ पे वाइब्रेट किया, विकल कॉर्ड वाइब्रेट किया। आपको पहले भी बताया गया है कि मेल का जो लाउड साउंड होते हैं उसके पीछे रीजन है कि इसके विकल कॉर्ड वो थोड़े बड़े होते हैं, 20 सेंटीमीटर का होता है, फीमेल में छोटे होते हैं, ठीक है। तो वाइब्रेट करेगा, ठीक है, वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेट करने के बाद इसमें होता क्या है कि इसको हम क्या लिखेंगे, वेन एंड ऑब्जेक्ट, वेन एंड ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, ओके, वेन एंड ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, ठीक है। देन द एयर अराउंड, देन द एयर अराउंड इट, देन द एयर अराउंड इट इज ऑल्सो वाइब्रेट, ऑल्सो वाइब्रेट वाइब्रेट एंड रैपिडली, एंड रैपिडली मूव्स मूव्स इन एनवायरमेंट एनवायरमेंट ओके इन मूव्स इन एनवायरमेंट, ठीक है। एंड देन इट इट नहीं साउंड साउंड रिसीव्ड बाय रिसीव्ड बाय आवर, ठीक है, साउंड रिसीवर, ये कोई रिसीवर के द्वारा वो रिसीव कर लिए जाते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स का रिसीवर क्या है, ये सेंस ऑर्गन्स है ना, रिसीव कर रहा है। और भी कोई चीज हो सकते हैं रिसीवर, जैसे हम लोग बोलते हैं माइक, अभी हम जो बोल रहे हैं वो मोबाइल के ये कैमरा के माइक में वो एब्जॉर्ब हो रहा है ना, वो रिसीव कर रहा है और फिर वो आपको आगे की ओर भेज रहा है। तो आवर और अदर रिसीवर, अदर रिसीवर, रिसीव्ड बाय रिसीवर, ठीक है। अब रिसीवर क्या क्या हो सकता है, ह्यूमन ईयर हो सकते हैं, माइक हो सकते हैं, अभी तो यही दोनों है, माइक्रोफोन है, ईयरफोन है, बहुत सारे हैं, सब में माइक लगे होते हैं जो रिसीव करते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोपेगेट करता है साउंड जो है। आगे भी हम लोग इसमें बहुत सारे चीज बताएंगे आपको। जैसे मान लीजिए कि ये एक ऐसे सोर्स है जहां से साउंड प्रोड्यूस होने की बात हो रही है, यहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है या जो भी है। अब यहां जो वाइब्रेशन किया, ये वाइब्रेशन एनवायरमेंट में चले, एनवायरमेंट में आगे बढ़े। तो इसी में अब बहुत सारे चीज आप देखिएगा, है ना, क्रस्ट क्या है, बहुत सारी चीज इसमें आप देखेंगे। लेकिन इसको देखने से पहले आज के वीडियो में प्रॉपर हम देखेंगे कि बिना मीडियम के साउंड प्रोपेगेट नहीं कर सकते, कैसे, एक दो एक्टिविटी हम देखेंगे और इसको बुक्स भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। बिना एक्टिविटी का बहुत चीजें समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए एक एक्टिविटी हम लोग देखते हैं, आप बुक्स में देखे होंगे कि दो बच्चा है, ठीक है, दो बच्चे हैं और दो, आप लोग ऐसा किए भी होंगे बचपन में, ऐसे सब लोग हम लोग भी किए हुए हैं, ऐसे करते हैं और इससे एक कनेक्टिविटी कर देते हैं, इससे एक कनेक्टिविटी कर देते हैं ये धागा वगैरह लेकर के, और एक यहाँ पे वाय है, ओके, ये अपना कान इसमें लगाया हुआ है और दूसरा जो है यहाँ पे है ये अपना कान इसमें लगाया हुआ है। अब देखिएगा कि यहां से, ठीक है, यहां से साउंड जो है ट्रेवल होकर के यहां तक पहुंचता है और काफी अगर डिस्टेंस भी है तो बच्चे की आवाज यहाँ जो बोला गया वो वहां सुनाई देता, ठीक है। टेलीफोन की आविष्कार यहीं से हुई है, टेलीफोन की इन्वेंशन यही एक प्रैक्टिकल है, यहीं से शुरू हुई है। पता है कौन किया था, ग्राहम बेल, साउंड की पूरी, है ना, ग्राहम बेल टेलीफोन का इन्वेंशन किए हैं और साउंड की पूरी टेक्निक्स उसमें अप्लाई किया गया है और पूरी फॉलो किए जाते हैं, है ना। तो ये तो मीडियम हो गया कि इस तरह से हम उसमें ट्रेवल हमारा कर सकता है। लेकिन ये कैसे समझेंगे कि अगर ठीक है इसमें मीडियम है, मीडियम नहीं भी है तो भी तो साउंड ट्रेवल करता है। तो इस चीज को समझने के लिए एक एक्टिविटी हम आपको और बताते हैं। देखिए ऐसे एक हमने जार लिया, ठीक है, इस जार को, इस पॉट को मशीन से, वैक्यूम से इसमें से एयर जो है निकाल दिया गया, एयर निकाल दिया गया, ठीक है, एयर को निकाल दिया गया। अब इसमें क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रिक बेल रखे हुए हैं, एक इलेक्ट्रिक बेल रखे हुए हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक बेल आप लोगों ने पहले देखा था, है ना, ये इलेक्ट्रिक बेल है, ठीक है, ये मशीन है, ये इलेक्ट्रिक बेल, क्या लिखेंगे इसको, इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक बेल है इसमें रखा हुआ। ओके, और ये क्या है, ये एक जार है। ओके, जार है और ये वैक्यूम, वैक्यूम वैक्यूम पंप है, ठीक है। और इसमें से सारे एयर निकाल लिए गए, यानी इसको वैक्यूम बना दिया गया, खाली है पूरा। अब हमने इलेक्ट्रिक बेल को इस वायर से कनेक्ट करके रखे हुए हैं, है ना, वायर है, और इस वायर को जैसे ही स्विच देंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो ये बजना शुरू हो जाता है। ये बजने की जो प्रोसेस है वो हमको दिखता है, ठीक है। ये शीशा से बाहर है तो ये जो बज रहा है, आपने बाहर स्कूल में भी देखा होगा, जो इलेक्ट्रिक बेल बजते हैं वो मूव करता है, एक मतलब काफी रैपिडली मूव करते हैं, और मूव करने के बाद साउंड प्रोड्यूस होते हैं, और वो साउंड मुझे सुनाई देता है, ठीक है। तो ये वैक्यूम है। अब आप देखिएगा कि यहां ये तो मूव तो कर रहा है, दैट मीन्स मूव कर रहा है, यानी कि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन इसमें साउंड हमको बाहर आते हुए नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसका मीडियम नहीं है, मीडियम एब्सेंट है, जिस कारण से दिखाई सुनाई हमको नहीं देगा, ठीक है। आप देखते होंगे कि शीशा एकदम खिड़की बंद है, ठीक है, आप खिड़की बंद हो और इसमें से कोई बाहर से बोल रहा है या कहीं से भी बोल रहा है, आपको साउंड सुनाई देती है, नहीं सुनाई देती है। क्यों नहीं सुनाई देती है, क्योंकि मीडियम डिस्टर्ब हो गया, मीडियम डिस्कनेक्ट हो गया, और मीडियम के डिस्कनेक्ट होने से साउंड हमको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। ये बातें हो गई। अब यहां पे एक चीज और समझना है कि अदर प्लेनेट पे, जो दूसरे प्लेनेट है, मून है, मार्स है, बहुत सारे प्लेनेट है, उस पर साउंड हमसे, हम तक न दूसरे व्यक्ति का जाएगा, न उनका मेरे तक आएगा, ठीक है, न उनका जाएगा न मेरा आएगा, मतलब साउंड प्रोपेगेशन वहां नहीं होता है। वहां जो भी बातें होगी सिंबॉलिक बातचीत होगी, रिटर्न बातचीत हो सकती है, मतलब वहां पे आप आवाज से बातचीत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर ही नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, दैट मीन्स एयर पार्टिकल्स नहीं है, और एयर पार्टिकल्स नहीं है तो ये जो वाइब्रेशन होगा, तो वाइब्रेट होने के बाद जो ये साउंड आगे की ओर बढ़ेगा, तो एयर पार्टिकल्स ही नहीं है तो वो किसको मूव कराएगा, किसको थ्रो कराएगा आगे की ओर, और जब थ्रो नहीं करेंगे तो साउंड आगे जाएगा नहीं, इसलिए स्पेस में साउंड काम नहीं करते हैं, और वहां लोग एकदम कोडिंग, ठीक है। आप लोग इमेजिन करिए कि आप वहां हो और आप इस तरह के अनुभव ले रहे हो, है ना, कि साउंड हम बोल रहे हैं वो हमसे सुन ही नहीं रहा, हम वो बोल रहा है मैं नहीं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं वो नहीं सुन रहा है, तो इस तरीके से वहां साउंड का मीडियम ही नहीं, तो प्रोपेगेट होगा कैसे, ट्रेवल होगा कैसे, तो वहां नहीं होते हैं, ठीक है। इस वीडियो में प्रॉपर इतना आप लोग इसको नोट करें, इसको समझे, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में अभी तक तो प्रोड्यूसिंग हम लोगों ने समझ लिया कि साउंड ऐसे प्रोड्यूस होता है, अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि एक्चुअली में ह्यूमन कैसे एब्जॉर्ब करते हैं साउंड का, ह्यूमन हम लोग कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। फिजिक्स में दो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, एक बायोलॉजी का, एक आईज हो गया और एक ईयर हो गया, ये दोनों पढ़ने हैं। आईज पढ़ेंगे आप लाइट में और ईयर पढ़ेंगे साउंड में। तो नेक्स्ट डे जो है हम लोग ईयर के डायग्राम के साथ आपको बताएंगे कि हम एक्चुअल में साउंड रिसीव करते कैसे हैं, हम सुनते कैसे हैं। ओके, आज के सेशन में इतना ही, आप नोट करें, होमवर्क सेशन में आप होमवर्क जरूर भेजिएगा, डाउट भी पूछिएगा, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, अच्छा भी लगता है, पर्सनल नंबर भी जिनके पास है वो पर्सनली भी पूछते हैं, लेकिन ग्रुप में ज्यादा पूछे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना, पर्सनली नहीं पूछे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू।